हेलो दोस्तों, आज हम पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें गोल्डन टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप स्वर्ण मंदिर की यात्रा का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्वर्ण मंदिर कैसे पहुँचे, यहाँ कहाँ रुके तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ इस यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर्ण मंदिर कैसे पहुँचें। तो आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको अमृतसर रेलवे स्टेशन आना होगा। स्टेशन पहुँचने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आना होगा। यहाँ पर आपको फ्री बस सर्विस मिलेगी, जो आपको स्वर्ण मंदिर के परिसर के बाहर तक छोड़ेगी। ये बस हर आधे घंटे के अंतराल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप ऑटो से भी स्वर्ण मंदिर तक जा सकते हो, जिसका किराया लगभग 30 से 40 रुपया प्रति व्यक्ति आपको पड़ेगा। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाह रहे हो तो आपको गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आना होगा। इस एयरपोर्ट के लिए देश के सभी शहरों से कई सारी फ्लाइट अपने उड़ानें भरती है। यहाँ पहुँचने के बाद आप टैक्सी के द्वारा स्वर्ण मंदिर पहुँच सकते हो। स्वर्ण मंदिर पहुँचने पर आपको वहाँ लगभग हर चीज़ संगमरमर से बनी हुई मिलेगी, चाहे वह फ्लोर हो या दीवार। मंदिर परिसर में आपको अपने जूते, चप्पल व सामान रखने की फ्री लॉकर व्यवस्था दी जाएगी। इसके लिए आपको टोकन दिया जाएगा, जिसे दिखाकर आप अपने सामान को वापस ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि मंदिर में आपका सर किसी कपड़े जैसे रुमाल से ढका होना चाहिए। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आपको वह भी मंदिर परिसर में मिल जाएगी। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अमृत सरोवर में स्नान करके ही गुरु हरमंदिर साहिब के दर्शन करते हैं। स्नान के लिए भी वहां पर चेंजिंग रूम जैसी उचित व्यवस्था की गई है। आप भी यहां आएँ तो अमृत सरोवर में स्नान जरूर करें, उसके बाद ही गुरुद्वारे में गुरु हरमंदिर सिंह साहिब के दर्शन कीजिएगा। इसके बाद जब आप गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको गुरुद्वारे में मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा। यह पूरा गुरुद्वारा सोने की चादरों से ढका हुआ है, यहाँ तक कि गुरुद्वारे के अंदर पंखे भी सोने की चादरों से ढके गए हैं। दर्शन के लिए आपको लाइन में खड़े रहना होगा, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप सुबह जल्दी दर्शन के लिए निकलते हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर दर्शन करने का मौका मिल जाएगी, पर वही देर से निकलने पर आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल या कैमरा आदि ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं, पर गुरुद्वारे के अंदर नहीं। गुरु हरमंदिर साहिब के दर्शन करके माथा टेकने पर आप पूरे गुरुद्वारे के अंदर घूम सकते हैं। यहाँ पर पूरे दिन भर गुरुवाणी चलती रहती है। गुरुद्वारे से बाहर आकर आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते हुए आपको मंदिर परिसर में एक बेरी का पेड़ दिखने को मिलेगा। जब गुरु हरमंदिर साहिब के गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था, तब बेरी बाबा ओढ़ा जी साहिब इस पेड़ के नीचे बैठकर निगरानी रखा करते थे। दोस्तों, परिक्रमा पूरा करने के बाद स्वर्ण मंदिर से बाहर आने के लिए आपको चारों तरफ गेट मिलेंगे। चारों दिशाओं में गेट होने का संकेत यह है कि स्वर्ण मंदिर में किसी भी समुदाय के लोगों के लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, और गुरु हरमंदिर साहिब जी के दर्शन के लिए सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं। दर्शन करने के बाद अगर बात करें खाने की क्या व्यवस्था है, तो गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, जिसमें आपको सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन और रात्रि की भी भोजन मिल जाता है। तो आप यहीं से अपना भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ ठहरने की। तो आपको बता दें कि अमृतसर ट्रस्ट की वेबसाइट, जो मेरे स्क्रीन में दिख रही है, वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको फैमिली रूम लगभग 500 रुपये में मिल जाएगा, जो कि एसी रूम होता है। यहाँ पर चेक इन का टाइम 1:12 बजे से अगले दिन 12 बजे तक का होता है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाते हैं तो फिर आपको प्राइवेट होटल रूम लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट आपको 600 से 1,000 रुपये तक मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ कम से कम 2 दिन का स्टे लेना चाहिए, यह आपको यहाँ घूमने के लिए पर्याप्त होंगे। अगर बात करें कि अमृतसर में आपको और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, तो पहले स्थान पर आता है दुर्गियाना मंदिर। यह स्वर्ण मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है। यह माँ दुर्गा का मंदिर है, जो कि एक सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। यह भी दिखने में स्वर्ण मंदिर जैसा ही दिखता है। स्वर्ण मंदिर से यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगी, जो कि 30 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लेगा। दूसरा स्थान है जालियांवाला बाग। आप सभी ने इतिहास में इस जगह के बारे में जरूर सुना होगा कि किस प्रकार जनरल डायर की क्रूरता के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज भी यहाँ की दीवारों पर जनरल डायर द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान मौजूद हैं।
यहाँ पर एक गार्डन भी है और साथ ही साथ जिस कुएं में लोगों ने कूदकर अपनी जान गंवाई थी वह भी यहाँ पर आज भी मौजूद है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाती है, तो आप यहाँ जाकर भी घूम सकते हैं। अगला स्थान काफ़ी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, जो कि है वाघा बॉर्डर। इसकी अमृतसर से दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ के लिए आपको टैक्सी या ट्रेवल बस मिल जाएगी, जिसका आने जाने दोनों का किराया लगभग 250 रुपया प्रति व्यक्ति होता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको दोपहर के लगभग 1 या 2 बजे तक निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बजे के बाद एंट्री नहीं मिल पाएगी, और अगर एंट्री मिल भी जाए तो वहाँ पर बैठने के लिए सीट नहीं मिल पाएगी। वाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जहाँ पर हर दिन परेड होती है और कई प्रकार के शो भी यहाँ पर होते हैं, जिसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपसे कोई एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। अब अगर बात करें खर्चे की, तो आप अमृतसर में 2 दिन रुकते हैं तो आपका कुल खर्चा केवल 1500 से 2000 के बीच में हो जाएगी। तो दोस्तों, यह है अमृतसर स्वर्ण मंदिर यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।